हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। चलिए आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं आपके नए अध्याय यानी कि वाक्य विचार की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाक्य विचार होता क्या है। देखिए, वाक्य मन के विचारों को बताने के लिए शब्द समूहों वाक्य कहलाता है। या शब्दों के साथ में लिखो यहां सार्थक, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। समझिए, मनीष विद्यालय गाड़ी से जाता है। अब मन के विचार हैं, भाई किसी ने बताया कि मनीष कहाँ जाता है, तो वो बता रहा है कि मनीष विद्यालय से गाड़ी से जाता है। तो मन के विचार थे। और सार्थक शब्दों का समूह है। सार्थक शब्दों का समूह का अर्थ है, सार्थक का मतलब होता है जिसका सही अर्थ निकले, यानी कि वाक्य में जितने भी शब्द आए हैं ये सारे शब्द अर्थ से युक्त होने चाहिए, इनका अर्थ निकलना चाहिए। तो जैसे हमने बोला मनीष, मनीष का भी एक अर्थ है, विद्यालय का भी एक अर्थ है, गाड़ी का भी एक अर्थ है, से का भी एक अर्थ है, जाता है का भी एक अर्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सार्थक शब्दों का समूह बन करके कोई चीज बनती है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं वाक्य के अंगों की। किसकी बात करते हैं? वाक्य के अंगों की। तो देखिए, वाक्य के जो है दो अंग हैं। एक उद्देश्य होता है, उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। और वाक्य का दूसरा अंग या भाग बोल सकते हैं, वो होता है विधेय। समझिएगा इसको, एक भाग हो गया आपका उद्देश्य और दूसरा भाग आपका हो जाता है विधेय। देखिए कैसे। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वाक्य का कर्ता व उसका विशेषण। उद्देश्य कहलाता है। और विधेय क्या है वो भी समझाता हूं। विधेय है कर्ता व उसके विशेषण के अलावा वाक्य में आए सभी शब्द विधेय हैं। अब देखिए मैं समझाता हूं। हमारा वाक्य है, मैं एक वाक्य बना देता हूं यहां पर। वीर हनुमान ने लंका के रावण की लंका जला दी। ध्यान से सुनो, उद्देश्य वाक्य का कर्ता। वाक्य का कर्ता कौन है? हनुमान। उसका विशेषण क्या है? वीर। हो सकता है कि हर वाक्य में कर्ता का विशेषण ना हो,
यदि वाक्य में कर्ता का विशेषण नहीं है और सिर्फ कर्ता है तो कर्ता ही विधेय हो जाएगा, परंतु वाक्य में कर्ता का विशेषण भी है तो वो भी विधेय का भाग होगा। तो ये दोनों तो क्या हो गए, हमारे उद्देश्य हो गया। उसके अलावा बोल रहा है कर्ता व उसके विशेषण के अलावा, इन दोनों के अलावा वाक्य में जो भी शब्द आ रहा है वो पूरा का पूरे शब्द, ये जितने भी शब्द हैं चाहे कितनी भी बड़ी लाइन कर दो, पंक्ति कर दो, ये सभी कहलाएगा विधेय। समझ में आ गया? तो ये तो उद्देश्य हो गया और ये हो गया विधेय। आगे बढ़ते हैं, अब इसके महत्वपूर्ण भाग पर चलते हैं। और इसका महत्वपूर्ण भाग है अंग के बाद में इसके प्रकार। और प्रकार पढ़ने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वाक्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। यदि हमने ये समझ लिया कि वाक्य को कितने वर्गों में बांटा गया है तो इसके प्रकारों को समझना आसान होगा। तो देखिए, जो आपके वाक्य के प्रकार हैं, यानी कि वर्गीकरण प्रकार हम बाद में चलेंगे, पहले हम पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण, यानी कि वाक्य के कितने वर्गों में इसको बांटा गया है। तो वाक्य को दो वर्गों में बांटा गया है। वाक्य के दो वर्ग हैं, दो वर्ग हैं। पहला वर्ग होता है रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो चलिए पहले रचना के आधार पर पढ़ लेते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला साधारण, दूसरा संयुक्त और तीसरा है मिश्रित। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण। जब वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया के साथ सिर्फ एक ही वाक्य बने, यानी कि वाक्य सिर्फ एक ही बनना चाहिए, उसमें एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होनी चाहिए। उदाहरण लिख लेते हैं, मुरलीधर ने मुरली बजाई। मुरलीधर एक कर्ता है, एक क्रिया है, एक वाक्य है, साधारण वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इसके अंतर्गत संयुक्त वाक्य। इसको समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्च बोधक शब्दों से जोड़ा जाए, वहां पर संयुक्त वाक्य बनता है। अब देखिए, दो स्वतंत्र वाक्य का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। जैसे राम खाना खाता है और मोहन उसे देखता है। एक वाक्य है राम खाना खाता है, स्वतंत्र वाक्य ही, इस पर निर्भर नहीं है। ओके, मोहन खेलता है, खेलता है, ये लगाइए।
मोहन खेलता एक स्वतंत्र वाक्य है, और उसको समुच्च बोधक शब्द है कौन सा, और उससे जोड़ दिया गया। तो दो स्वतंत्र वाक्यों को जब समुच्च बोधक शब्दों से जोड़ दिया जाता है, समुच्च बोधक शब्दों में क्या क्या आएगा, और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, हालांकि, यद्यपि, और, अथवा, या, इस प्रकार के शब्द जो है जो मैंने आपको पहले सेशन में बता दिए हैं, इस प्रकार के शब्दों से जोड़ दिया जाए तो वो हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य के भी प्रकार हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त वाक्य के कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए संयुक्त वाक्य के चार प्रकार हैं। एक तो है संयोजक, संयोजक, संयोजक का मतलब है दो स्वतंत्र वाक्य, स्वतंत्र वाक्य प्लस समुच्च बोधक शब्द, यानी कि इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होंगे और समुच्च बोधक से जोड़ दिया जाएगा, यही उदाहरण हो गया। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है विभाजक, यानी कि दोनों वाक्य एक दूसरे से विपरीत बात कहेंगे, बात कहेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण आपका, वह अध्ययन तो करता है पर उत्तीर्ण नहीं होता, वह अध्ययन करता है, पढ़ता तो है, करता है, करता है पर पास नहीं होता, पढ़ता तो बहुत है भाई पर पता नहीं क्यों पास नहीं होता, दो अलग अलग बातें हैं ना, उनको जोड़ दिया पर से, तो पर समुच्चय बोधक है। अगला आइए नंबर तीन जो आपका इसके अंतर्गत दे रखा है वह है विकल्प सूचक। देखिए जहां दो बातों में से एक को चुनना हो, भाई दो बातें कहेगा, दो अलग अलग वाक्य, उनमें से एक को चुनाव की बात कहेगी, जैसे या तो मैं विदेश पढ़ने जाऊंगा, या पढ़ाई छोड़ दूंगा, समझ में आया, विकल्प है ना भाई, या तो मुझे विदेश भेज दो वरना मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, तो ये ऑप्शन दे रहा है, यदि मैं विदेश पढ़ने नहीं गया तो मैं पढ़ाई को छोड़ दूंगा, मेरे पास ये विकल्प है। अगला हमारा अंत है परिमाण वाचक, परिमाण बोधक, इसमें एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य पर डिपेंडेंट होगा, निर्भर होगा, उसका परिणाम बताएगा, उसका रिजल्ट बताएगा, जैसे आज घर पर बहुत मेहमान हैं अतः मैं भ्रमण करने नहीं जाऊंगा, तो ये क्या करेगा आपको परिमाण देगा, परिणाम, सॉरी परिणाम है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, आज घर पर मेहमान हैं मेहमान है इसलिए मैं घूमने नहीं जाऊंगा, समझ में आ गया। तो ये क्या है वाक्य, इसका परिणाम दे रहा है कि मैं घूमने क्यों नहीं जाऊंगा, उसका परिणाम ये है, मैं घर पर मेहमान आ गए, इसका परिणाम ये हो गया कि मैं घूमने नहीं जाऊंगा, आ गया समझ में। तो ये हमारे हो गए संयुक्त वाक्य के प्रकार। अब इसका अंतिम भाग भी पढ़ लेते हैं, देखिए
अंतिम भाग देखिए इसका, वो है मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होगा, एक प्रधान वाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य बने। पहली शर्त इसने बता दी कि एक तो प्रधान वाक्य बनेगा और उस पर एक आश्रित, मतलब डिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरा छोटा वाक्य उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रधान वाक्य पर डिपेंड करेगा। और साथ में क्या होगा, इनको किससे जोड़ा जाएगा, समुच्चयबोधक और संबंध बोधक शब्दों में से, संबंध बोधक शब्दों से जोड़ा जाए, शब्दों से जोड़ा जाए। तो वहां पर क्या बन जाएगा, मिश्रित वाक्य बन जाएगा। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। यदि आप परिश्रम, यदि आप मेहनत करो, मेहनत करो तो अवश्य सफल हो जाओगे। क्या है देखिए, यदि आप मेहनत करो, ये मुख्य वाक्य है तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये डिपेंडेंट वाक्य है इसके ऊपर। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक वो सफल नहीं होगा। और तो और यदि हमारे संबंध बोधक है, उससे जोड़ दिया इसको। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया मिश्रित वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। देखिए मैं यहां पर एक चार्ट बना देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। अर्थ के आधार पर तो अर्थ के आधार पर वाक्य का जो पहला प्रकार है, इसको मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपका है विधानवाचक या निश्चयवाचक। लिख लीजिए, विधानवाचक या निश्चयवाचक। अब इसके अंतर्गत क्या होगा वो समझिए। जो वाक्य कार्य के होने की निश्चित सूचना दे, कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलेगी। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मैं कल स्कूल जाऊंगा, निश्चित है, बता रहा है वो कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो विधान हो गया, निश्चयवाचक हो गया, ये पहला हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा हमारा है नकारात्मक वाक्य। जहां निषेध का भाव हो, निषेध मतलब मना करने का भाव हो, जहां निषेध का भाव आ जाए, मना करने का भाव आ जाए, कार्य के न होने का भाव आ जाए। जैसे कि तुम बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो, इसका एक तरीका है कि नहीं, न, ऐसे शब्द आ जाए, समझ जाना वहां पर नकारात्मक वाक्य बन गया है। ये नंबर दो हो गया। चलिए नंबर तीन पढ़ते हैं। नंबर तीन आपका है विधिवाचक या आज्ञावाचक। विधि या आज्ञावाचक, इसका मतलब है यहां पर आदेश या अनुमति मांगी जाएगी, ठीक है। या तो कोई व्यक्ति आदेश दे रहा होगा या कोई अनुमति मांग रहा होगा। देखिए कैसे, आदेश में तुम
इधर बैठो, आदेश है ना, तुम इधर बैठ जाओ। अब मैं जानना चाहूंगा, अनुमति मांग रहा है, इस प्रकार के वाक्य होंगे विधि। नंबर चार पे आइए, आपका अगला वाक्य है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें क्या होगा, विस्मय का, हर्ष का, प्रसन्नता का भाव होगा। हर्ष, पीड़ा, आश्चर्य, इनका भाव होगा। और विस्मयादिबोधक चिन्ह और विस्मयादिबोधक शब्द लगेंगे। वाह, मजा आ गया। तो वाह और मजा समझ जाना, ऐसे विस्मयादिबोधक शब्द भी लग गया और चिन्ह भी लग गया, समझ जाओ वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगला ही नंबर पांच, अगला है प्रश्नवाचक। ये भी बहुत साधारण है। इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द होंगे, होंगे ना उसमें, जैसे तुम कब आए, कब आ गया, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नंबर सिक्स की तरफ। नंबर सिक्स है आपका इच्छावाचक। इच्छावाचक तो कर्ता क्या करेगा, कर्ता कोई आशा करेगा वाक्य में, आशा का भाव होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, वो आशा कर रहा है सामने वाले का कि भाई तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ, ऐसी मेरी आशा है। चलिए अगला भाग पढ़ लेते हैं, और अगला भाग हम यहाँ लिख देते हैं इधर से सातवा। देखिए अगला भाग है आपका संदेहवाचक। संदेहवाचक इसमें क्या होगा, शक का भाव होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, आज शायद वर्षा आए। अब वर्षा आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। और अंतिम भाग और पढ़ लेते हैं, नंबर आठ हमारा अंतिम भाग है, इसमें संकेतवाचक। यानी कि यहां पर देखिए बहुत साधारण सा है, ये दो क्रियाएं होंगी। पहली बात, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी, दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, डिपेंडेंट होगी, निर्भर होगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट होगी। देखिए कैसे, डॉक्टर आता आता तो रोगी के प्राण बच जाते, समझ रहे हैं? अब ये आया नहीं डॉक्टर, इसलिए उसके प्राण नहीं बचे, यानी कि मर गया। तो ये वाला वाक्य किस पर डिपेंडेंट है, रोगी के आने, डॉक्टर के आने के ऊपर। तो इस प्रकार से एक क्रिया आने की क्रिया के ऊपर बचने वाली क्रिया निर्भर कर रही है, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। चलिए इस वाले सेशन के अंतर्गत मैंने आपको अर्थ के आधार पर, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ प्रकार हैं, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हैं। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई इस वाले सेशन में। इसके बाद मैंने इसी वाले सेशन के अंतर्गत आपको बताया कि वाक्य के दो अंग हैं, वाक्य के दो अंग बताए गए हैं। पहला अंग होता है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।